A very good morning to all the participants to the second day of this conference on reimagining the role of teachers and technology in the context of COVID and NEP. मैं अलीना काजमी आपकी होस्ट फॉर दिस सेशन आप सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करती है आज के इस सेशन में. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो आज का ये सेशन है दिस वर्कशॉप 3 इसकी थीम है ह्यूमंस एंड नेचर टीचिंग चिल्ड्रन टू को एग्जिस्ट विद देयर एनवायरमेंट. तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमें काफी समय मिला है जहां पर यू नो टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स घर से पढ़ रहे हैं, ज्यादातर काम घर से हो रहा है. सो वी हैव हैड इनफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ लुक एट आवरसेल्व्स, रीलुक एट आवरसेल्व्स एंड रीलुक एट आवर एक्शंस. इस समय में काफी विषयों पर चर्चा हुई. इन विषयों में से एक विषय था एनवायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके. एंड इट इज हाई टाइम यू नो एंड वी हैव रियलाइज दैट वी नीड टू हैव एंड स्पेशली एज फ्यूचर एजुकेटर्स एज सून वी आर गोइंग टू यू नो स्टेप इन एंड स्टार्ट टीचिंग किड्स. सो एज फ्यूचर एजुकेटर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दिस. सो इसीलिए आज यहाँ पर हम सब वी हैव एक्सपर्ट्स विद अस और यहाँ पर हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एकत्रित हुए हैं आप सभी से इस विषय पर बात करने के लिए. तो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू आर एक्सपर्ट्स हियर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड अस. सो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो हमारा आज का सेशन है जिसका नाम है ह्यूमंस एंड नेचर टीचिंग चिल्ड्रन टू को एग्जिस्ट विद देयर एनवायरमेंट. आगे बढ़ने से पहले गुरुशाला के बारे में थोड़ा सा जाने. गुरुशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडस स्टार्स लिमिटेड एंड वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन विद जिज्ञासा एज इट्स कॉन्टेंट पार्टनर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन. Now we invite Ms. Amrita Kasturi Rangan and Ms. Swati Bansal. So let me just take a moment and quickly introduce our experts for this second presentation here. Ms. Amrita, as a part of the programs team at ARGAM, currently handles the content for Scale Imagination and runs India Water Portal. She has also anchored some technology for water initiatives run by ARGAM, such as the State of Sanitation and ARGAM project that brought analysis and visualization tools to sanitation data. Ms. Swati Bansal here has worked in preparing catchment area treatment plans for the environmental impact assessment and environmental management aspects of hydropower projects and currently works as a consultant with the portal. So we have two experts here with us who will be speaking on the theme of using digital tools to teach children about water resource conservation. So without taking any more time, I would request Ms. Swati Bansal and Ms. Amrita Kasturi Rangan to please start your presentation. The screen is all yours. Right, so soon we'll have the presentation here. So as we can see, we have the presentation on screen with us. Once again, I would request all the participants to keep their questions coming. We will take and address all the questions. Over to you, Swati. Yeah. So as Alina has already mentioned, that our topic is using technology to teach children to coexist peacefully with their environment. And I will be talking in the context of water. तो क्या क्यों जरूरी है टीचर्स के लिए अपने स्टूडेंट्स को वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताना. आई वुड स्टार्ट विद अ वीडियो ऑन सेविंग वाटर. Thank you.
तो जैसा कि हमने देखा कि पानी कितना प्रेशियस है और पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है एंड देखा जाए तो हमारे प्लैनेट पे सिर्फ 1% पानी ही अवेलेबल है जिसको हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो 1% पानी है इस पे भी बहुत दबाव है। साल दर साल पॉल्यूशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉल्यूशन भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर, पानी पे प्रेशर बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम इस पानी के हकदार सिर्फ हम लोग ही नहीं है, बाकी सारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी ये पानी यूज करना होता है अपने यू नो फॉर देयर लाइफ। तो इसलिए इस लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को हम कैसे यू नो यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट सभी सभी जीव जंतु सभी सभी लोगों के लिए ये इसकी मात्रा एप्ट हो। देन साल दर साल हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि फ्लड्स, साइक्लोन्स और ड्राउट, इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्या है उसको हम फेस कर रहे हैं और हमारे सामने एनवायरमेंटल क्राइसिस एक खड़ा है, कोविड भी एक उसका हिस्सा है। देन WWF नामक संस्था, नेहा राघव हमारे साथ पैनल में है जो इस संस्था से जुड़ी हुई है। सो इस संस्था ने ये इनका एक एनालिसिस है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हमने कोई अर्जेंट एक्शन नहीं लिया तो 2050 तक पूरे विश्व में ऐसी 100 सिटीज होंगी जो जो कि पानी की बहुत बड़ी समस्या से जूझेंगी और उन 100 सिटीज में से 30 सिटीज इंडिया की हैं। तो ये सब चीजें यही दर्शा रही हैं कि पानी एक कितनी पानी का क्राइसिस कितना बढ़ने वाला है और हमें उसके लिए कितना कितना तैयार खड़े रहना है। देन टुडेज चिल्ड्रन आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, ये हम सब जानते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो कल के लीडर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, पीस मेकर्स हैं। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे जो आज का बच्चा है, अगर आज का बच्चा 10 साल का है, वो 2050 में अगले 20 साल बाद, 30 साल बाद वो एक नौजवान होगा, 30 साल का, 40 साल का एक एडल्ट होगा जो जो कि इस सोसाइटी का हिस्सा होगा, एक इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। तो उसको हम अगर यंग एज से ही ट्रेन करने लगे, जो कि जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनके लिए ट्रेन करने लगे और उनको अभी से ही ये बताने लगे कि क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज वी कैन गो थ्रू, तो वो बच्चे एक यंग एज से ही समझने लगे the complexities which are related to water and its resources. Then what are the activities teachers can use to sensitize children about water conservation? किस तरह की activities हम use कर सकते हैं? तो सबसे पहले है using real life experiences. जब हम कोई real life experiences से बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो वो उनपे बहुत एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ के जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर आपके स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो आप जब भी बारिश के सीजन में जितना भी रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। इनफैक्ट अगर आप अगर आपके स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो आप उनको एक एक्टिविटी दे सकते हैं कि अपने घर जाके वो किसी भी बारिश के एक दिन पे एक बाल्टी पानी अपनी बालकनीज में, अपने टेरेस पे रखें और देखें कि एक दिन में वो कितना पानी कलेक्ट कर पाए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज की जब ऑब्जर्वेशन आती है, एक तो बच्चे उनको बहुत इंजॉय करते हैं और ये उनके लिए
लाइफ में, पूरी लाइफ उनके उनके दिमाग में ये चीज छवि पड़ जाएगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देन महीने में आप अगर आपको जैसे बच्चों को समझाना है व्हाट इज वाटर स्कैसिटी या उसके व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कैसिटी, तो आप महीने में उनको एक ऐसा दिन दें जिसमें आप उनको बोलेंगे कि नहीं आपको सिर्फ एक ही बोतल पानी मिलेगा या आपको लिमिटेड सप्लाई मिलेगा पानी का और आपको ये पूरा दिन यूज करना है. तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ इट इज इम्पोर्टेंट टू यू नो सेव वाटर. लाइक अलीना ने अर्बन सेक्टर के बच्चों को सिखाने के लिए बात करी थी, तो रूरल सेक्टर के बच्चे तो ये समझते ही हैं इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज, बट अर्बन सेक्टर के बच्चों को हम इस तरह की एक्सरसाइज दे सकते हैं सो दैट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर स्कैसिटी. देन यू कैन ऑर्गेनाइज फील्ड विजिट्स टू अ नियर बाय लेक. कोई अगर आपके स्कूल के पास कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, कोई वेटलैंड है, कोई ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है जैसे कोई स्टेप वेल, तो इन इन सब जगहों पे आप बच्चों को लेके जाएं. और आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई आपके स्कूल के आसपास कोई पॉन्ड रिवाइवल हुआ हो, लोगों ने मिलके पॉन्ड को रिवाइव किया हो, तो वहां पे आप अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएं, उनको लेके जाएं, वहां के लोगों से बात करें, तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि अपनी लाइफ में यू नो ऐसी चीजें करने का कुछ यू नो दे वुड लाइक टू डू समथिंग इन देयर लाइफ आफ्टर सीइंग दीज एक्सपीरियंसेस. Then we can sensitize children by showing them videos and involving them in theater activities. Theater activities ho gayi ya storytelling activities ho gayi, puppet shows ho gaye, in sab in tarah ki activities mein jab bacche participate karte hain to wo in in problems ke impact ko bahut acche se samajhte hain. उनको ये प्रॉब्लम्स की क्या क्या गहराइयां हैं उनको वो समझ में आती हैं. तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको आप अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनको उनको सिखा सकते हैं कि क्या क्या वाटर रिलेटेड एक्टिव वाटर स्कैसिटी से रिलेटेड क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. देन क्रिएटिंग चेंज मेकर्स. एक तो हो गया हमने बच्चों को सिखाया ये करना है, एक एक्सरसाइज हो गई कि उन्हें चेंज मेकर बनना है. दे वॉन्ट टू दे हैव टू बिकम द चेंज मेकर्स. तो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट दे इन्वॉल्व दे गेट इन्वॉल्व इन यू नो ब्रिंगिंग दैट चेंज. जैसे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, टीम्स बनानी है अपनी कम्युनिटीज में, अपनी सोसाइटीज में, अपनी कॉलोनीज में, और आप उनको कोई भी थीम दे सकते हैं हर महीने या हर वंस इन टू मंथ्स. यू कैन प्रोवाइड देम विद थीम्स. जैसे कोई थीम हो गई कि यू नो सेव रेन वाटर, आई मीन हार्वेस्ट रेन वाटर, रिसाइकिल वेस्ट एंड प्लग लीक्स. You know, to save water, you have to plug leaks and do water testing to find water contamination in your area. So, इस तरीके से बच्चे अपनी societies में, communities में जाके इन सब issues पे awareness भी spread कर सकते हैं and at the same time they can get involved in bringing the solution. इससे बहुत उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनकी इन इश्यूज से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. दूसरा उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू समथिंग, यू नो दे विल बी इंस्पायर्ड टू वर्क फॉर देयर सोसाइटी. एंड थर्ड दे विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज दे विल अंडरस्टैंड देयर रोल इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर सोसाइटी इन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव टूवर्ड्स देयर एनवायरमेंट, टूवर्ड्स देयर सोसाइटी, टूवर्ड्स देयर कम्युनिटीज. सो दिस विल बी दिस विल ब्रिंग ग्रेट इंस्पिरेशन टू दीज चिल्ड्रन वेन दे प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट. देन इस तरीके के डिजिटल टूल्स आप यूज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए टू मेक देम चेंज मेकर्स. ऑफ कोर्स वीडियोस जो होती हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती हैं. तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती हैं इस ये बच्चों के दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं. अगर आपने अपना एक्सपीरियंस भी देखा होगा, कभी कोई आपने एक इंस्पिरेशनल वीडियो देखी हो तो वो आपके दिमाग में वो छवि बचपन में देखी है लेकिन वो छवि आपके दिमाग में रहेगी. So like it is my personal experience that you know even before coming into the water sector I could never see a tap running. Koi tap mein nahi, because I had seen a video of water scarcity, so I would never you know
let any tap running wastefully. So this is the impact these videos have on children. So I would suggest that you must use them. Short films, these are around 13 award-winning short films. These are available on YouTube. After the session, I think handouts would be provided to you. So the link for all the resources I would be telling you would be available, would be made available to the participants. So ye jo short films hain, these are 13 award-winning short films, aur ye bachchon ka nazariya hi darshati hain. To jo bachche apni age ke bachchon ko dekhenge ki haan, unke nazariye se problems ko dikhaya hai, water scarcity ki problem ko, ya kaise usne ek chote bachche ko pani provide kiya. To is tarah ke ki जब वीडियोस बच्चे देखेंगे तो उनपे एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. देन आप सक्सेस स्टोरीज बच्चों को दिखा सकते हैं. ये एक एग्जांपल है, जैसे एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची ने एक डिवाइस इनोवेट किया है टू डिटेक्ट लेड कंटामिनेशन इन वाटर. तो जब बच्चे इस तरह की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि उनकी एज के बच्चों ने कुछ किया है, तो वो बहुत इंस्पायर होते हैं कि वो भी कुछ करना चाहेंगे आगे लाइफ में चल के अपनी. Then this is a film which is called Green Warriors. It showcases how school children managed to preserve pond in Chandigarh. कैसे छोटे बच्चों ने एक पॉन्ड को प्रिजर्व किया चंडीगढ़ में. तो इस तरह की सक्सेस स्टोरीज जब बच्चे देखते हैं तो they are very encouraged to work for their society. Then I would also suggest that you go through India Water Portal's YouTube channel. Usme bahut sari resources hain bachcho ke liye, and in fact as a teacher ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन इश्यूज को बच्चों को सिखाने से पहले हम भी इन इश्यूज को बहुत अच्छे से समझें, इनको इनकी गहराइयां जाने. तो ये जो YouTube चैनल है इंडिया वाटर पोर्टल का, ये आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी बताएगा जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन रिलेशन टू वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज वुड बी आंसर्ड. Then explore games and quizzes. Games और quizzes एक ऐसी activities है जो कि बहुत interactive होती हैं. First of all, इसमें एक तो बच्चे बहुत enjoy करते हैं और खेल खेल में ही वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं. So you must go through India Water Portal's school section, जिसमें काफी गेम्स हैं और फन वाटर साइंस एक्टिविटीज हैं. फन वाटर साइंस एक्टिविटीज आर बेसिकली द एक्सपेरिमेंट्स, जो कि सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, सब सारी क्लासेस के लिए हैं वो. तो इस तरीके के गेम्स और फन वाटर एक्सपेरिमेंट्स यू कैन कंडक्ट विद योर स्टूडेंट्स. देन ऑल्सो एक्सप्लोर एडू ग्रीन. डॉक्टर श्रीधर को अभी हमने सुना, तो ये टेरी की ही एक प्लेटफॉर्म है एडू ग्रीन, और वाटर प्रोजेक्ट का एक प्लेटफॉर्म है. इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इन इन प्लेटफॉर्म्स में बहुत इंटरैक्टिव गेम्स हैं, वीडियोस हैं. तो इन प्लेटफॉर्म्स को आप करके बच्चों को ना कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स इश्यूज के बारे में समझा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप उनको जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिगार्डिंग वाटर, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं. देन यू कैन एक्सप्लोर नेशनल ज्योग्राफिक एंड वाटर यूज इट वाइजली. ये प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं. सो शायद इसमें आपको इंडियन कॉन्टेंट तो नहीं मिले, बट यू विल गेट lot of interactive quizzes and videos which you can utilize for your children. Then also I would really recommend the Quizzes and Word Wall. ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये दोनों, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपका क्लास लेक्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्विज और गेम्स डेवलप कर सकते हैं, और उन गेम्स को आप और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं म्यूजिक ऐड करके. इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट एज अ पेरेंट आई हैव सीन माय चिल्ड्रन एंजॉयिंग द क्विजेस दैट आर मेड ऑन क्विजीज एंड वर्ड वॉल. सो आई वुड रियली रिकमेंड दैट यू प्लीज गो थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे ऑल आर फ्रीली अवेलेबल, सो यू कैन अवेल देम फॉर योर सेल्फ. Then you can also involve your students in working models. These are simple DIY do-it-yourself activities. जैसे simple activities हैं इसमें,
एक हैंडपम्प बनाना है या एक स्प्रिंकलर बनाना है. तो इस इन इन एक्टिविटीज को जब बच्चे करेंगे एंड दे विल गेट इन्वॉल्व इन दीज दीज विल हेल्प देम बूस्ट देयर इमेजिनेशन. और हमें नहीं पता, हो सकता है बच्चे इनसे बेटर वर्जन के साथ हमारे सामने आ जाए. दे कैन यू नो मेक बेटर इनोवेशन आउट ऑफ दीज. सो रियली रियली make them utilize these resources that are available. Also like books jo hoti hai hamari school's library mein bahut tarah ki books available hoti hai, and there are also a few books that are available online which you can utilize. Story Weaver by Pratham Books is a really great resource that you can use for yourself. Also is resource ki sabse khas baat ye hai ki ye bahut sari languages mein present hai, to aap apni local language ke according apne liye book choose kar sakte hain and apne bachcho ko dikha sakte hain. Jaise isme this is the story of a girl and it is the case of the missing water. So is tarah ki you know water related stories aapko milengi mil sakti hain, aur bhi tarah ki hain, but water or environment issues related books aapko milengi. Then YouTube पे बहुत सारे रीड अलाउड बुक्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं. ये कुछ फोर बुक्स की लिस्ट जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने निकाली, लाइक लिटिल रेन ड्रॉप, वाई शुड आई सेव वाटर, द वाटर प्रिंसेस. द वाटर प्रिंसेस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, एक छोटी बच्ची है, उसको रोज सुबह अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है और अपनी फैमिली के लिए पानी फेच कर के आना पड़ रहा है अपनी मदर के साथ. सो इट इज शोइंग जेंडर बायसेस भी शो कर रही है, दैट इट इज द फीमेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेच वाटर, एंड ऑल्सो एंड इट इज शोइंग द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव वॉट काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा एंड द चाइल्ड गोज थ्रू बिकॉज शी हैज टू फेच वाटर, शी हैज टू सेक्रीफाइस हर स्लीप, शी कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी हैज टू यू नो मेक द वाटर अवेलेबल फॉर हर फैमिली. सो दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी विच यू कैन शो योर किड्स. Then also in India Water Portal's book and book section, book review section, you can find various books. Again, ये books बच्चों के लिए भी हैं और as a teacher आपकी अपनी understanding बढ़ाने के लिए भी इन books को आप avail कर सकते हैं. Then except for एक तो हम except for you know bringing that inspiring the kids about the water resources and about its conservation, there are also several educational resources that are available on YouTube, and they are very interactive also. Like jaise simple concepts ho gaye bachcho ke liye, what is groundwater, what is rainwater harvesting, what is the difference between groundwater and surface water. To is tarike ke simple questions ko bhi काफी सारी ऐसी YouTube पे रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. देर इज पेरीविंकल पिकाबू किड्स विच इज ऑफकोर्स फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो द टेडेक्स टॉक्स विच इज अवेलेबल ऑन YouTube. इट हैज वेरी सो मेनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल अराउंड हु हैव वर्कड ऑन द इश्यूज ऑफ वाटर कंजर्वेशन. सो यू कैन यूटिलाइज दीज आर फॉर ओल्डर किड्स, सो यू कैन यूटिलाइज दीज फॉर योर स्टूडेंट्स. So I would like to mention about the experiences that that we had with engaging in children. So we have a school sections on a section on our portal. It is a collaborative web based platform which can be utilized by the teachers, which has resources for teachers, students, parents in school. And in 2012 we had collaborated with Oracle Education Foundation to conduct a nationwide fluoride testing project for schools. तो ये जो प्रोग्राम था इसमें तकरीबन 1300 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें ऑल ओवर द कंट्री स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था. इनफैक्ट द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड केंद्र विद्यालय संगठन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस. इस प्रोजेक्ट के तहत फ्लोराइड टेस्टिंग किट्स स्कूल को प्रोवाइड करे गए थे, और बच्चों को बोला गया था कि वो ग्राउंड वाटर सैंपल्स को कलेक्ट करके उस पर फ्लोराइड कंटेमिनेशन का टेस्ट करें. तो बच्चों ने उसको बहुत इंजॉय किया, एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने ही उसको बहुत अप्रिशिएट किया उस प्रोजेक्ट को. एंड दे इन्फॉर्म्ड अस दैट दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी रियली प्रोवाइडेड इनवैल्यूएबल
इनवैल्यूएबल नॉलेज टू चिल्ड्रन अबाउट फ्लोराइड कंटामिनेशन. तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो ये एक तरीके का रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही है जो बच्चों ने बहुत इंजॉय तो किया ही, बट एट द सेम टाइम दे गेन लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज फ्लोराइड कंटामिनेशन. Then IWP has, India Water Portal has also involved in various activities with children. One of this was an interactive session that was conducted with the students at Nehru Memorial Museum and Library. इस session में बच्चों को quizzes और videos दिखाए गए जो दोनों ही उन्होंने बहुत enjoy किए. And we had also partnered for the Nirmal Bharat Yatra. इस यात्रा के दौरान बच्चों को sanitation और उससे होने वाली समस्याएं और हाइजीन से रिलेटेड, हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस तरह की बातों से अवगत कराया गया. एंड और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे कि नुक्कड़ नाटक एक्टिविटीज हो गई या कोई फन गेम्स हो गए, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये एक खो खो की तरह एक फन गेम है. तो इसके थ्रू बच्चों को रूरल एरियाज के बच्चों को सैनिटेशन के बारे में समझाया गया, उनको बुक्स प्रोवाइड करी गई. तो इससे बच्चों की नॉलेज, जैसे रूरल एरियाज में जो परेशानी रही है सैनिटेशन इश्यूज को लेकर, तो बच्चों को वो चीजें समझ में आई. Then we had conducted a water talk with the students of grade 4 in Gurgaon. In bachcho ke liye, pani is like that they have opened a tap and water is available for them. तो जब इन बच्चों को ये बताया गया कि पानी की सप्लाई कैसे होती है, उन्हें पानी कैसे मिलता है, एक जीन्स बनाने के लिए कितना पानी लगता है, बर्गर बनाने के लिए कितना पानी लगता है, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि पानी क्या है, पानी की के बारे में जानने की. एंड व्हाई वी शुड सेव वाटर, व्हाई आर एल्डर्स से सेव वाटर. लाइक देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट जो बोली, जिसने बोला, जिसने ये मेंशन किया कि मेरी दादी बोलती है पानी सेव करो, क्यों पानी सेव करो, मेरा तो टैप खोलती हूँ पानी आ जाता है. सो व्हेन शी वाज टोल्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स पीपल फेस due to water scarcity, so they understood that why we should be saving the water. Then उन बच्चों ने क्विज बहुत एंजॉय किया. हालांकि क्विज एकदम सिंपल एक क्विज था, MS Forms पे एक क्विज बना हुआ था, बट वो क्विज बच्चों ने बहुत एंजॉय किया. टीम्स वर मेड, टीम ए टीम बी, एंड दे एंजॉयड अ लॉट. देयर वाज अ कॉम्पिटिशन एंड दे लर्नड एंड एट द सेम टाइम दे एंजॉयड द क्विज अ लॉट. So I would like to conclude by saying that children are the agent of change. Teach them young for a better tomorrow. Thank you. Thank you so much, Swati, for such an interesting presentation. So here we have a few questions, and also before taking up these questions, I would like to share with the audience. मैं सभी participants को बताना चाहूँगी कि Miss Amrita और Miss Swati ने हमारे साथ कुछ material भी share किया है. जो भी इन्होंने resources को refer किया है during the presentation, they have shared the links of those resources with us. We will be sharing that material, that PDF with you in the WhatsApp group, जहाँ पर आप सभी added हैं. अगर आप added नहीं हैं, तो you can mail your details to us at info@gurushala.co. info@gurushala.co. We'll be sharing this email ID in the chat section as well. So you can share your details with us. We'll add you to the WhatsApp group, and we'll share the material with you there. So thank you so much for such an interesting presentation. And this presentation not only made us aware about the reality, but also made us relook at ourselves, our actions, जो हम starting में भी बात कर रहे थे. और बहुत ही अच्छे suggestions यहाँ पर इस presentation के through सामने आए हैं, where we were talking about teaching through daily life experiences, कि अगर हम as teachers students को बताएं कि पानी कहाँ से आता है, तो स्टूडेंट्स माइट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. एंड स्पेशली इस तरह की एक्टिविटी की, जहां पर हम लेक पे लेके जाएं, या हम
कंडीशन भी दिखाएं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लेक जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर हम वो भी दिखाएं तो यू नो स्टूडेंट कैन ऑल्सो पिक्चर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जैसे उन्होंने लेक्स को पिक्चर्स में देखा है या इमेजिन किया और जैसे अब रियलिटी है. सो आई थिंक दैट वॉज वन ग्रेट सजेशन जो हमें इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मिला है. यहाँ पर बिफोर वी टेक अप आवर ऑडियंस क्वेश्चंस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर आवर पैनलिस्ट हियर. So we are talking here about sensitizing each other, sensitizing kids, right? So as जो हमारे participants भी हैं, they are young educators, वो आपस में भी एक दूसरे को sensitize कर सकते हैं, and in future they will soon be able to sensitize kids as well. But this process is not easy. We all know that. You all know that very well. So there are a lot of challenges in this area. So how do we overcome those challenges, and how do we keep the motivation, especially our motivation, you know, up all the time? So if you can throw some light on that. That's a very good question, and I think it's a question that's not only for children, it's a question for adults as well, right? How do we keep up our motivation? And I think it goes back to being parts of communities like Guruchala, for instance, where such important topics get spoken about, right? And a peer group of people with a common cause. So you can only teach children when you believe in these things by yourself, right? So how do you handle this? How do you teach children? Are you also closing the tap, as Dr. Sridhar said, right? Are you making sure your taps at home are closed? So how do you constantly renew your commitment to this? Is something that we can keep through peer groups like Guruchala. We run, for instance, newsletter on water in India Water Portal. So you can become parts of communities that talk about these issues constantly. So you're engaged with these issues and keep your motivation high. Right. So we have another question with us here. We have a participant named Manpreet Kaur. So inka question hai, how do we increase groundwater level? So if you can throw some light on that. That's a superb question again. So one of the easiest ways, right? There are differing complexities to do this, but the simplest way is to recharge rainwater. So all of us receive rain wherever we are. And if we are able to recharge our rainwater through having a recharge pit or even putting it back in the well, Kerala, for example, runs this program called Malapolima, where the idea is that they create recharge structures and they put the water back in the wells that give them water through the year, right? Or several states like Tamil Nadu has also made it mandatory that you have to recharge your groundwater through creating recharge pits for rainwater. So that is the easiest way to do it. Right. So we can see that in the comment section, a lot of comments, suggestions and questions are being shared with us. So we will quickly take these two questions, which are quite similar. So I'm just going to show these questions on our screen. So a question hai Mukesh Kumar Dubey ji ka, jo pooch rahe hai, how can we sensitize the family members or head of the family, because family is of course the first agent of socialization and learning. We have another similar question asked by Miss Marina Chingsubam. She's asking, how do we keep up our motivation towards our children's family in order to cooperate with us? So I think yahan par family ko kaise sensitize kiya jaye, and especially as educators, as teachers, we know that we have to collaborate with parents in a lot of cases. And considering the situation that we are in, where students are mostly with parents than with teachers, so that is something collaboration with parents and a communication and cooperation from parents end become important. So how do you suggest that, you know, we can sensitize parents? So one of the first things is that we have to start looking at conservation, right? Whether it is water, whether it is energy, we have to start looking at this as a part of the whole year's curriculum. So it's not key one day, today is water, World Water Day, so I'm conserving water today and I'm talking about it with my children and then it's over, right? Now I'm going to move on to the next thing. So how do you sustain that interest? So one of the things that I am a parent of a four-year-old. So one of the things that I find very interesting that the school does, for instance, is they do something where every week, even in the online mode, two children have to come and talk about the topic of safe water.
right? So either they are making simple models and explaining, and these are four-year-old children, so obviously it's very simplistic, right? But the parents are also then heavily involved in that exercise because they are helping the children think through the concept, they are helping the children learn a story, right? So that's one way to do it, which becomes an easy way to engage your parent through your children, right? The second way to do it is to give the children activities, like Swati presented, that goes back to talk to the family, to talk to their communities, right? Whether it's the older children running campaigns in their communities. And several of us who live in apartments in urban India see this, right? When the waste segregation rules came in, the first people who came and knocked on our door were not the Residents Welfare Association presidents, but children who said, hey, this is wet waste and this is dry waste, and how do you separate it? Right? So to make sure that and when children have to do those kinds of things and go back and engage with their communities, it's the parents who actually play a role in ensuring that the children go door to door, right? And then they also get committed to the issue. So simple activities that they can take back, do at home, age appropriate, can be a way to engage the parents. Right. So thank you so much for answering these questions and for giving such an informative and, you know, inspiring presentation to us. We have a lot of suggestions in the comments. So participants, we would like to thank you as well for sharing these inspirational messages, suggestions and comments. Please keep your questions coming. We have the experts with us for this session. So we'll also have a question answer round session once all the presentations are over. So once again, I would like to thank our experts from India Water Portal. And I would like to invite here, on this note, I would like to invite our next expert. Yes, we can hear you. Can you hear me now? Madam, it is said that in coming decades, we would have a great development in technology. So as we are going to have a development in technology, so it is very assumable that we would have some sort of laws for nature and environment. So what ways we can adapt to maintain a proper balance between nature and development in maybe in any sector? Okay, so basically the question is about how to maintain the balance between our lifestyle activities and nature. So I would direct this question to our second experts, Ms. Swati and Ms. Amritha, if you can take up this question. I think that's a good question, and I think so two things he said. One is the general connection between you know, day-to-day activities and you know, reinforcing the need to look at nature and understanding that. I think Neha covered that very nicely, right? So how can you infuse that learning, and how can you ensure that you talk about it in a way that everybody, the parent, the teacher, and everybody comes in? The other question that he was asking is about how do you maintain a balance between technology and, you know, nature conservation, right? So there it depends. That's a very wide question. So I'm going to say that there is some of it that's regulated by law. So, for instance, you have the environment impact assessment that is supposed to do exactly that. It's supposed to evaluate technological developments in the country, especially those, for instance, the airport question, right? If there is an airport coming up in an area, then is it going to be suitable for the area? What are the impact assessments you need to do? And what do you do with even the people who are living there, right? And there are also wildlife protection laws. So there are things that are already legal regulations in place that are supposed to assist with this exact thing. But I think it's important that we keep calibrating these laws, which is something that we don't do, to protect and conserve, right? Because one thing that after COVID it has come, that everybody is talking about, wow, Yamuna is flowing again, and you know, there is so much less pollution on the roads, and lots of people are actually enjoying that, right? So if you have to maintain it like that, then the common person, it's not only the government's responsibility, it's also everybody's responsibility. And I like what Neha also said, right? It's not about big technology, big projects, but it's also about making sure you wash your vessels with the least amount of water. It's also what Dr. Sridhar said, right? In terms of, you have to understand that if you don't turn off the switch, then that's a problem, right? So there is impact on a varying scale. So
Rajmani, that's what I would say, right? On the big technological issues, there are organizations like TERI, there are organizations like WWF who are constantly looking at these developments and trying to talk to government in terms of balancing it with ecology. And on the smaller scale things, which are the most important things, because we have 1.25 billion people, right? Those are things that are squarely in our hands for us to do. Thank you so much, Ms. Amrita, for quickly answering this question. So on this note, I would like to take a moment and thank two students who have joined us today, Najmuddin and Manpreet. Thank you so much for joining thank us. You, ma'am. And thank you so much. We hope your questions have been answered. Thank you. So now I would like to open the panel for discussion amongst ourselves. So if experts have any question for each other, so please go ahead and ask. So I was just wondering, and this question, since India Water Portal has been working on education and have developed resources, and WWF India has also been working in the space of education for past 50 years, and we have tons and tons of resources. Despite that, you know, in the school's ecosystem, there is yet not time and space that has been created by design so that they can impart environment education in the schools. What are you doing? I was just want to understand, because we are at the moment really facing a lot of issues in terms of teachers pushing back the entire subject and the concept of environment education. So what is it that you would suggest, to the teachers today, who will be, of course, going to be, teachers in the schools? So what would you advise? So Neha, that's a good question. And I think one of the things that we definitely are interested in, right, is more than relooking our own material to say how interesting is it to the people that we want to talk to, right? And how do you present this material in manners that are easy to absorb? So that is one thing that we are definitely looking at. And we are trying to also do more and more partnerships, like these partnerships with Gurushala, and you had mentioned Deeksha before, right? So where all can, because one thing is that there's a lot of content available. Right. So how do you make this content? But on the other hand, a teacher who actually is trying to access these resources doesn't know where to look for them. Right. So so the supply and demand have to speak to each other. Right. So what are these forums that, that other people have great content? Right. And that's also a focus. It's not only about self-created content, but even through the presentation, if you've seen what other people have done, how do you bring that to the fore? So one thing is to put it on the portal, but the other thing also is to look at strategic partnerships with organizations like Gurushala, and with platforms that reach out to teachers to connect and see how these conversations can be kept flowing. So that's definitely something we think is important. Thank you. So on this note, I would like to thank all the experts who have joined us today for this session. Thank you so much. Your presentations were very informative, very inspiring, and in some cases, eye-opening as well. So I think hum sabhi participants, hum sabhi aaj is session ke baad, hum ek cheez ko zarur samajh sakte hain ki it's not just, we cannot just talk about it, we cannot just only discuss about it, but we also need to keep relooking at our own actions, apni daily life activities se lekar kaise hum as future educators is information ko share karenge with kids and with our peers as well. So once again, thank you Dr. Sridhar, thank you Ms. Swati and Ms. Amrita, and thank you Ms. Neha for joining us for this session.